नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं कैलाश बिष्ट। दिल्ली में लोकसभा का सत्र होना है और लोकसभा के सत्र को लेकर उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं उन तमाम सांसदों का जमावड़ा लगता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के सह प्रभारी मौजूद रहते हैं। कई बातों पर मंथन होता है और इन मंथनों को बहुत गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा का सत्र जब होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के ऐसे मसले उठते हैं जिन मसलों का सीधा सरोकार जनता से होता है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अरुण शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जमावड़ा था, इस जमावड़े के क्या कुछ मायने निकाले जाए। अरुण जी, जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें, निशंक जी के आवास पर बैठक होती है, मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, तमाम सांसद मौजूद रहते हैं, प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी मौजूद रहते हैं, तो कितना अहम माना जाए इस पूरी बैठक को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। उसका कारण है कि बहुत दिन बाद ऐसी कोई बैठक हुई है जिसमें प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और आठों सांसद, पांच लोकसभा के और तीन राज्यसभा के इस बैठक में मौजूद थे। और निश्चित तौर पर जो बैठक हुई है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में एक तो दायित्व बंटने हैं और बहुत दिनों से सरकार और संगठन के बीच में मंथन चल रहा है कि किन लोगों को दायित्व दिए जाए। दूसरी चीज, एक साल से कम वक्त रह गया है स्थानीय निकाय चुनाव का, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में चुनाव होने हैं और अभी तक, क्योंकि इन जगहों में से अधिकांश जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है जी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि भविष्य में भी जो चुनाव हो उनमें अपना कब्जा बरकरार रखे। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें कि प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और वो समस्याएं कहीं ना कहीं केंद्र से ताल्लुक रखती हैं, और चूंकि जब लोकसभा का सत्र होता है तो जो सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के मसले उठाते हैं, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको रखते हैं जिससे केंद्र सरकार के जरिए उसका निदान हो सके, उस समस्याओं का समाधान निकल सके। तो उसलिए भी ये महत्वपूर्ण बैठक है और चूंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे तो निश्चित तौर पर एक गहन मंथन हुआ होगा जैसी उम्मीद है। बिल्कुल। और उस मंथन के बाद जो कुछ आएगा सामने वो आने वाले दिनों में हम सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर जिस तरीके से हम बात करें कि लोकसभा, जाहिर तौर पर लोकसभा में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधा केंद्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा ये सवाल उठते आए हैं कई सांसदों पर, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, कि ठीक से पैरवी नहीं होती लोकसभा में, जिसके चलते आपने देखा कि चाहे यहाँ पर वन का मामला हो या फिर कोई अन्य मामले हो, सीधा केंद्र का हस्तक्षेप होता है, उन मामलों का पटापेक्ष हो जाता है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नहीं उतर पाती। तो आपको लगता है कि अब की बार जिस तरीके से प्रॉपर मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहाँ पर तमाम सांसद बैठे हैं, प्रभारी सह प्रभारी बैठे हैं, तो कुछ ऐसे मसले होंगे जिनका यहाँ पर धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश की जाएगी? कैलाश, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 24 में लोकसभा का चुनाव और उसमें अब 1.5 साल से कम वक्त बचा है। अगर हम ये देखें, हम इसको दूसरे एंगल से अगर देखें तो कहीं ना कहीं केंद्र में ये दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ से केवल एक राज्य मंत्री हैं और पिछले जो 5 साल मोदी सरकार के रहे हैं उसमें भी हमारे यहाँ से एक ही मंत्री रहा है जी। और आज भी एक ही मंत्री है, हालांकि उनके पास जो हमारे नैनीताल उद्धम सिंह नगर से सांसद हैं अजय भट्ट, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, रक्षा और पर्यटन, और दोनों इस प्रदेश से बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं क्योंकि पर्यटन हमारे प्रदेश की रीढ़ है अर्थव्यवस्था की। चाहे हम गर्मियों में चारधाम यात्रा, हेमकुंड यात्रा देख लें, और सर्दियों में हमारे यहाँ जो रिवर राफ्टिंग होती है, जो स्कीइंग होती है उनको देखें, और अब तो ये माना जा रहा है कि भविष्य में सरकार जो शीतकालीन पर्यटन केंद्र है उनको भी डेवलप करने की बात कर रही है। दूसरी चीज, जो चार धाम है वो शीतकाल में दूसरे जगहों पर निवास करते हैं वो भगवान, तो वो जो शीतकाल में उन धामों को भी खोलने की तैयारी हो रही है, तो हमारे लिए पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। और चूंकि
उत्तराखंड के अधिकांश परिवार के कोई ना कोई सदस्य फौज में है या फौज में रहा है, तो रक्षा मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, तो उन चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हमारे यहाँ से तीन तीन मंत्री होते थे, बिल्कुल, और आज की तारीख में एक ही मंत्री है, वो भी राज्य मंत्री, कैबिनेट का दर्जा नहीं है। पहले कैबिनेट के दर्जे के मंत्री थे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और बाद में वो अपनी बीमारियों के कारण हट गए थे मंत्रालय से, तो अब केवल एक मंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि हमें 1.5 साल, क्योंकि चुनाव का वक्त रह गया लोकसभा का, तो हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले जिससे हम और तेजी से जनता के बीच में जा सके, जनता के काम करा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर मंत्रालय मिलता है तो यहाँ पर जो धरातल पर जिन चीज़ों की हम बात करें वो उतर सकती हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर कि अगर मंत्रालय अगर दिया जाता है, अतिरिक्त मंत्रालय, क्योंकि अजय भट्ट तो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनके अलावा अगर किसी सांसद को जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको क्या लगता है कि जिन योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, जो योजनाएँ अधर में लटकी हैं, क्या उनमें तेज़ी आएगी, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगी और तेज़ी से? निश्चित तौर पर देखिए, अगर केंद्र में सीधे सीधे दखल होगा, हमारा कोई नुमाइंदा वहां होगा, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो हक हकूक की बात होगी वो बड़ी मजबूती से उसकी पैरवी की जा सकती है। अभी वो दिक्कत आ रही है, और अभी क्योंकि ये मोदी सरकार है और मोदी सरकार में ये माना जाता है कि आम जो सांसद हैं इनकी पकड़ सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक नहीं होती, और उनको मंत्रियों से मिलने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि हर मंत्री को अलग अलग जिम्मा दे रखा है, काम दे रखा है, और उसके अलावा संगठन की भी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं फिर आप देखें कि साल में कहीं ना कहीं कितने कितने राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, और अभी भाजपा को हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, तो यह आत्ममंथन का दौर भी होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल से बगल में सटा हुआ उत्तराखंड है जहां बीजेपी सरकार रिपीट करती है, और हिमाचल में वो सरकार हार जाती है, तो कहीं ना कहीं उन कारणों को भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यही स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी आ सकती है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन जनता जब बदलाव का मन बना लेती है तो बदलाव करके ही मानती है, जैसे हिमाचल में हुआ था, तो कहीं ना कहीं संगठन को भी और जनता को भी अपने साथ जोड़े रखने की कवायद जो होती है वो हो सकती है। बिल्कुल, वो हो सकती है। और जिस तरीके से बात करें कि भले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूती के दावे करे, जिस तरीके से सरकार है वो धरातल पर जनता से जुड़ाव की बात करे, लेकिन आपको लगता है कि अगर जनता अगर विश्वास करती है तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन जनता का अगर विश्वास उठ गया तो कहीं ना कहीं जो सुखबुगाहट की जो आहट होती है किसी भी पार्टी में वो देखने को मिलेगी। तो ये माना जाए कि जो भी, चाहे वो विधायक स्तर के यहाँ पर विधायक हो या फिर जो सांसद हैं, उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, विधायक और सांसद का रोल हर जगह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब स्थानीय निकाय चुनाव आने हैं तो उसमें प्रत्याशी चयन से लेकर जिताने की जिम्मेदारी तक स्थानीय विधायक और सांसद की होती है। उसके अलावा अगर हम देखें, उसके अलावा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर विधायकों की भूमिका बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीटें हैं और हर लोकसभा सीटें में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 14 विधायकों में से कितने भाजपा के हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और क्योंकि आज की तारीख में हमारे यहाँ 47 सीटें भाजपा के पास है, उन 47 सीटों को कम से कम जीत, लोकसभा की दृष्टि से जीतना और अपने सांसद को बढ़त देना ये महत्वपूर्ण होगा। और उसी लिए अब दायित्व देने की बात भी हो रही है कि लगभग 100 लोगों को निकट भविष्य में आने वाले कुछ ही दिनों में दायित्व बांटे जा सकते हैं, जिससे पावर सेंटर अलग अलग बन सके, उनको अलग अलग काम दिया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से बात करें तो इस बैठक की हमने बात करी, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा में जो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य से हटकर होते हैं, केंद्र का हस्तक्षेप इन पर होता है, तो जाहिर तौर पर अगर क्योंकि अभी जिस तरीके से निकाय चुनाव के, अरुण जी ने हमको बताया कि निकाय चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उन चुनाव में जीतना चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी हो, दोनों के लिए ही सर्वोपरि होगा कि वो अपने मुद्दों को सर्वोपरि रखें। और इस वक्त क्योंकि चूंकि 5 के 5 जो सांसद हैं लोकसभा में,
उत्तराखंड से वो पांचों बीजेपी से हैं और राज्यसभा में भी जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं। तो उन तमाम आठ के आठ सांसदों की ये जिम्मेदारी है कि चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही जगह पर उन मुद्दों को गंभीरता से रखें ताकि जो जनता है जनता जनार्दन उन पर अपना भरोसा रख सके और आने वाला जो लोकसभा चुनाव हो या फिर जो निकाय चुनाव है उसमें मजबूती बनी रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नई पेशकश के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।